Hello class 6, welcome back to our channel, and we are doing our chapter number 1 of class 6 civics book, and the name of the chapter is Understanding Diversity. And in the previous video we have covered the basic introduction part, that what is the meaning of diversity, and then we moved to that how the diversity. We can see that India is a land of diversity, then how. Then we have covered that how the people are different from each other. Okay, so just because of diversity, because India mein diversity exist karti hai, that is why we all are different from each other. And not about India, but all over world, humare face ke jaisa koi dusra face nahi hai. So here we can say that diversity is exist. Okay, now our next topic, and one story is given in your NCERT book. You can see in your NCERT book that two boys are there, Sameer. Ab dono ka name Sameer hai. Okay, first Sameer jo hai, ek Sameer hai, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है एंड सिटी एरिया में ही रहते हैं एंड रेगुलर स्कूल जाना एंड हिंदू फैमिली से ही बिलोंग्स टू अ हिंदू फैमिली एंड स्कूल जाना जैसे एक रेगुलर रूटीन होती है आप जैसे बच्चों की, सबकी स्कूल आना और फिर घर जाना, फिर अपने जो भी डेली रूटीन है इस तरह के वर्क करना. ओके, बट एक और समीर है, वो समीर जो कि फर्स्ट समीर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका फ्रेंड तो नहीं है बट उसको वो रेगुलर मिलने लग गया. वेयर? एट रेड लाइट. तो रेड लाइट में जब उसको समीर मिलने लगा, तो वो वाला सेकंड वाला समीर ना तो इंग्लिश जानता है एंड ही स्पीक्स हिंदी एंड ही इज नॉट बिलोंग्स टू हिंदू फैमिली, वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते. एंड अगर वो रेड लाइट पे मिला है सिक्स स्टैंडर्ड, तो वन क्वेश्चन कि वो रेड लाइट पे क्यों मिला है? रेगुलर उसको रेड लाइट पे मिलता है. समीर एक जैसे स्कूल जाता है या स्कूल से आता है, क्योंकि वो साइकिल से जाता है तो वो रेड लाइट पे रुकता है ना, तो उसको समीर मिलता है. एंड समीर रेड लाइट पे क्यों मिलता है और वो स्कूल भी नहीं जाता, तो एक क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल आएगा और आंसर भी आएगा, बिकॉज ही इज देयर टू सेल न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर सेल करता है रेड लाइट पे and is not belong to good family, rich family से belong नहीं करता. वो बहुत financially strong नहीं है, but both became friends. जब रोज वो एक दूसरे को देखते हैं, रोज मिलते हैं, क्योंकि समीर first समीर, so chapter में two terms use किए गए, समीर एक and समीर दो. समीर एक is कौन है जो school जाता है regular, समीर दो school नहीं जाता, red light पे newspaper sell कर. तो बहुत क्लियर है ये चीज कि अब यहाँ भी वैरायटी दिख गई हमको समीर में, दोनों में, दोनों सेम नहीं है, नेम सेम होने के बाद भी बहुत कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं. सो डाइवर्सिटी तो है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बच्चा, कि क्या रीजन है समीर एक और समीर दो में ये डाइवर्सिटी है कि समीर एक स्कूल जाता है एंड समीर दो स्कूल नहीं जाता. नो, दिस थिंग वी कैन से इट इज इनइक्वालिटी. Inequality means कि हम लोग equal नहीं है यहाँ पर, असमान है, balance नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है. Why? Because समीर दो के पास opportunities नहीं है, वो इतनी well off family से belong नहीं करता कि उसको भी school भेजा जाए, अपने घर को survive करने के लिए, अपने livelihood को चलाने के लिए उसको newspaper sell करने पड़ते हैं. तो ये स्टोरी क्यों दी है? स्टोरी का एक मोटिव हो सकता है कि समीर एक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम समीर दो, जो डिफरेंसेस दिखाता है. सेकंड, डिफरेंसेस होने के बाद भी दे बिकेम फ्रेंड्स. एक कम्युनिकेशन बैरियर था, वहां पर इंग्लिश थी, वहां हिंदी थी, बट समीर एक ऑल्सो स्पीक हिंदी ऑल्सो, तो वो बैरियर खत्म हुआ. तो यहाँ पर एक चीज ये समझ में आई. दूसरा हमें पॉइंट क्लियर करना है, इनइक्वालिटी. तो डाइवर्सिटी इज डिफरेंट थिंग एंड इनइक्वालिटी बिल्कुल अलग है. इनइक्वालिटी तब क्रिएट होती है सोसाइटी में जब रिसोर्सेज नहीं होते. अब समीर दो के पास मनी नहीं है उसके फैमिली के पास, तो वो स्कूल नहीं जा सकता, सो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई. तो डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी में डिफरेंस है. ओके, एंड देन समीर दो सडनली स्टोरी से गायब हो जाता है एंड समीर एक को पता चलता है कि वो अपने
विलेज में चला गया बिकॉज ऑफ सम रीजन. वो क्या रीजन है आप जब समीर एक एंड दो की स्टोरी पढ़ेंगे सिक्स क्लास अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो आप देखेंगे कि एक वर्ड आएगा, वन न्यू वर्ड फॉर यू इज कॉम्युनल रॉइड्स. कॉम्युनल रॉइड्स का मतलब क्या होता है? कॉम्युनल मतलब एक कॉम्युनिटी में कोई रॉइड्स हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, क्लैश बिटवीन टू कॉम्युनिटीज, किसी भी बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन बेसिस पे, रेस बेसिस पे, ठीक है, कोई भी बेसिस पे जब एक सोसाइटी में दो ग्रुप्स बन जाते हैं और उनमें क्लैश एंड डिसएग्रीमेंट आ जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्युनल रॉइड्स. एंड समीर दो इसीलिए शायद अपने विलेज गया था. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टोरी में से हमें एक मॉरल की तरह समझ में आनी है, दैट इज व्हाई हमने इस स्टोरी को डिस्कस किया. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनइक्वालिटी इज द ट्रीटमेंट in which something is treated in unfair and unequal manner. यहाँ पर unequal manner ही था, एक बच्चा school जाता है, एक बच्चा school नहीं जाता है. तो inequality कैसे create हुई? Because the lack of resources. ठीक है? And when we talk about the diversity, already covered, diversity defines about variety of something at a particular society or place. So don't be confused कि अगर मैं स्कूल जाती हूँ, एक बच्चा रेड लाइट पे न्यूज़पेपर सेल कर रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है या फिर चाइल्ड लेबर, कुछ भी हो सकता है, तो डजंट मीन डाइवर्सिटी है कि मैं इससे अलग हूँ. नो, दिस इज इनइक्वालिटी. तो यू शुड नो अबाउट डाइवर्सिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इनइक्वालिटी. ओके, नाउ इनइक्वालिटी के कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे. तो हमारी बुक में भी गिवन है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम का मतलब सिक्स क्लास, हमारा जो सोसाइटी था बच्चा, अभी तो नहीं बट पुरानी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स. एंड कैसे डिवाइड किया था? सपोज मैंने आपके क्लास में दो ग्रुप्स बनाए, मैंने बोला गर्ल्स एक साइड पे हो जाओ, बॉयज एक साइड पे हो जाओ. तो मैंने किस बेसिस पे बनाया? गर्ल्स एंड बॉयज की बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे ग्रुप्स बनाए. ओके, तो हमारी सोसाइटी भी डिवाइडेड थी, ग्रुप्स बने हुए थे, बट ऑन वॉट बेसिस? On the basis of their work, काम के basis पर, उनका occupation क्या है. And suppose कि अगर किसी के parents potters हैं, वो घड़े बनाते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ काम करते हैं, तो next generation भी वही काम करती थी, उसकी next generation भी वही काम कर रही है, तो कोई changes नहीं आ रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम कुछ और भी कर सकते हैं. एंड जो लोग टीचर्स थे, वो जो एजुकेशन देते थे, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी वही काम कर रही है. कुछ प्रीस्ट थे, तो नेक्स्ट जनरेशन भी प्रीस्ट रही. तो इस तरीके से सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वर्क, ऑक्यूपेशन. और वो अपने ऑक्यूपेशन में इतने उलझे रहे कि सोसाइटी में ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी आनी स्टार्ट हो गई. सो इनइक्वालिटी में कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो इनइक्वालिटी को प्रेजेंट करता है. इस सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में, कोई लोग अपनी जॉब्स चेंज नहीं करते थे. आज तो ऐसा नहीं ना, आपके फादर में भी एक बिजनेसमैन हो सकते हैं और आप आने वाले टाइम में एक इंजीनियर डॉक्टर भी बन सकते हैं. ऐसा तो नहीं ना जो फादर ने किया वही आपने किया. नो, लेकिन कास्ट सिस्टम वॉज इररिवर्सिबल, उसमें चेंज नहीं होता था. एंड इसी चीज को फर्दर बढ़ते बढ़ते क्या क्रिएट होती गई? इनइक्वालिटी. ओके, सो ये पिक्चर आपको बहुत ईजीली दिखेगा. सम आर सिटिंग इनसाइड द रेस्टोरेंट एंड वन चाइल्ड जो दूर खड़ा है. तो ये डाइवर्सिटी नहीं है सिक्स क्लास, दिस इज इनइक्वालिटी. हाँ, वहां पर रिसोर्सेज सोर्सेज नहीं है. एंड वहां अंदर की तरफ अगर देखते हैं तो रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज, उनके पास कैपेबिलिटी है. एंड हो सकता है कैपेबिलिटी बच्चे के पास भी हो जो हमें प्रेजेंट हो रहा है, बट यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, एक लैकिंग है. तो हम यहाँ पर इसको डाइवर्सिटी का टर्म नहीं देंगे, दिस इज इनइक्वालिटी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स. डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, बहुत सारा डाइवर्सिटी पढ़ लिया. एंड डाइवर्सिटी से कौन सी चीजें किस तरह अलग है इसको भी क्लियर करा. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी कलरफुल एंड वेरी प्रेजेंटेबल क्वेश्चन इज हियर. डाइवर्सिटी क्या ऐड कर रहा है लाइफ्स में? सपोज कीजिए ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट पिक्चर इज गिवन हियर,
इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। अब मैं एक ही कलर को यूज करके इस तरह के स्ट्रिप्स क्रिएट कर दूं, सारे रेड 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 ऑल आर रेड, तो आप क्या इसको इतने इंटरेस्टिंग वे में देख पाएंगे जितना आप इसको देख रहे हैं? नो, वो बहुत बोरिंग लगेगा। सेकेंड थिंग, उसको हम शायद देखेंगे भी नहीं, लेकिन इस पिक्चर को हम देखेंगे एक बार कि ये क्या है, बिकॉज इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। व्हाई? बिकॉज अ वैरायटी ऑफ कलर्स, अगेन वैरायटी ऑफ कलर्स आर प्रेजेंट हियर। सो अगेन डाइवर्सिटी क्या करता है, एक तो डाइवर्सिटी से वी नो अबाउट द पीपल, मेरा कल्चर मैं शेयर करूंगी दूसरों से, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बैकग्राउंड्स, ये सब चीजें जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के, तो चीजें कलरफुल बनती हैं, लाइफ हमारी और कलरफुल हो जाती है। एंड एज वेल एज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज भी है। वन मोर न्यू वर्ड, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। लाइक हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में कैसा एरिया? प्लेन एरिया। लेकिन हम अपने समर वेकेशन में या फिर कभी वेकेशन करते हैं तो हम हिल स्टेशन बहुत प्रेफर करते हैं। हिल स्टेशन का लैंड कैसा है? हिली एरिया, माउंटेन एरिया। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, लैंड्स भी डिफरेंट काइंड्स के हैं, जिसके कारण वहां के लोगों के लाइफ, फूड, ऑक्यूपेशन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस। सो हियर हमारे चीजों को, इतनी सारी डाइवर्सिटी ने हमारे लाइफ को बहुत रिलिश, बहुत एनरिच और बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। एंड द वन मोर पिक्चर इज गिवन हियर, जहां इंडिया शो हो रहा है एंड डिफरेंट थिंग्स आर देयर, डांसेस, कलर्स, ओके, स्पोर्ट्स डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है। सो यस, इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड वेयर वी एंजॉय दिस लैंड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ वैरायटी। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज एनफ फॉर टुडेज लेक्चर।